नमस्कार, सोलह स्टार्ट और यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक बहुत विशेष होने वाला है, हम कद्दूओं के फलों के बारे में तो जानते ही हैं, मगर जो कद्दू का जो फूल है उसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो हम आज आपके सामने ला रहे हैं और इस वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। कद्दू के फूलों में विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। कद्दू के फूल का सेवन करना आंखों के लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही ये शरीर को सर्दी खांसी से दूर रखने में मदद, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाने में भी काफी अधिक फायदेमंद होता है। कद्दू के जो फूल का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। कद्दू के फूल में विटामिन सी की तो मात्रा भरपूर पाई जाती है और यह कई सारी बीमारियों से बचाता भी है। कद्दू के फूलों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर के सेवन से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, इसके सेवन के बाद पेट काफी देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है और वजन भी नियंत्रित रहता है। हड्डियों को मिलती है मजबूती। कद्दू के जो फूलों में कैल्शियम पाया जाता है और ये हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है। इसके सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और कैल्शियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत होने की वजह से इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। NECBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की माने तो कद्दू खाने से, खासकर इसके जो कद्दू के जो तने हैं और फूल दोनों खाने से मोटापा तो कम होता ही है और कैंसर के जो लक्षण हैं इसमें भी फायदेमंद होता है कम करने में। जो कैंसर की जो कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। रिसर्च के मुताबिक कद्दू में पाया जाने वाला यह प्रभाव स्तन और प्रोस्टेट कैंसर को पनपने से रोकने में फायदेमंद होता है। और यहाँ पर जो फूल हैं इसके ताजे होने चाहिए। जब इसका सेवन करें, आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फूल वो येलो कलर का है और ये सुबह काफी खिला हुआ रहता है और जैसे धूप बढ़ता है तो इसका जो संकुचनपन कम हो जाता है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होता है, क्योंकि विटामिन ए की जो मात्रा है 8510 IU होता है। माना जाता है विटामिन ए जो होता है स्वस्थ दांतों, मजबूत हड्डियों, उत्तकों, टिशू, त्वचा के लिए काफी अधिक फायदेमंद होता है और मधुमेह के लिए भी काफी अच्छा है। अगर इसे खाली पेट में सेवन करें या इसका पकौड़े के रूप में या चीले के रूप में या सब्जियों के रूप में या सलाद के रूप में, कच्चा भी खा सकते हैं इसको, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत भी करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई, बी, कैरोटीन, फाइबर, राइबोफ्लेमिंग, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम होता है। सभी जो पोषक तत्व हैं मधुमेह और मोटापा, हृदय रोग को जोखिम को कम करने में, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में काम आता है और ये सब रिसर्च में मालूम हुआ है। और आँखों के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ हृदय के लिए भी अच्छा है। अस्थमा के बचाव के लिए और डिप्रेशन के लिए भी कद्दू के जो फूल हैं काफ़ी अधिक फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन तो करना ही चाहिए। इस तरह वीडियो के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल पर। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।